तो ये हालत मेरी है गर्मी से, जो पूरा भीगा हुआ था और ये अंकित जिसका हालत फटीचे की तरह हो चुका है जो डस्ट वगैरह से। आपको दिखाते हैं ये मंदिर का खूबसूरत चेहरा। यहाँ पे शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा है और ये गणेश जी का बना हुआ एक मूर्ति, मतलब ये देखो कितना खासियत है इस मूर्ति में, मतलब दीवार पे चिपका हुआ है लेकिन ये उभरा हुआ है दीवार से, और ये सब जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे देख रहे हैं सब दीवार से उभरा हुआ है। और ये देखिए ऊपर, मतलब कितना खूबसूरत से बनाया गया है इसको और कितना मेहनत से बनाया गया हुआ है। ये चीज़ ये देखिए, एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा बाहर का लुक। ये है मंदिर का बाहर का लुक, आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से। और कभी आते हैं मुजफ्फरपुर तो जरूर घूमिएगा, और कभी आते हैं मुजफ्फरपुर तो जरूर घूमिएगा। मैं इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो मे भी कभी भी जरूरत पड़े तो आके घूम सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो बाहर बाहर का लुक रहा, तो बाहर बाहर का लुक रहा, अब देखते हैं अंदर का क्या स्थिति रहे हैं। अभी बंद है, हो चुका है ये मंदिर का जो भी गेट वगैरह, मेन चीज़ यही था, और इधर शायद रूम वगैरह है, बस इतना ही। हाँ, इधर नेचुरल सीन प्राकृतिक, और यहाँ पे श्रद्धालु सो रहे हैं। तो यही है वो फैक्ट्री वगैरह जो बंद हो चुका है, काफ़ी पुराना था, इसी के जस्ट बगल में है। और अभी तो हम टाइमिंग गलत हम लोग ले लिए थे, हम लोग सेलेक्ट किए थे, एक्चुअली टाइमिंग हम लोग सही सेलेक्ट किए थे, लेकिन हम लोग आते आते काफ़ी लेट हो चुका है, इसके कारण अभी मंदिर बंद हो चुका है। अब कब खुलेगी मुझे पता नहीं, इसका टाइमिंग मॉर्निंग में तो खुली रहती है मंदिर, और अभी तो हो चुका है 12-1, यानी कि 2-3 बजे से फिर मंदिर ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल साइड में देखते हैं साइड वाला, और यही देखिए हमारे भगवान जी, शंकर भगवान जी के साथ जानवे करते हैं कि भूत दूर सब रहते हैं साथ में। और ये नंदी भगवान, और यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग है जो बंद है, ये जो बंद है अभी यहाँ पे जो कवर लगा हुआ है, ये सब भोलेनाथ का शिवलिंग है। और ये जो है मेन हमारे भोले बाबा जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा यहाँ भी ये चीज़ बंद है, अभी सब में ताला लॉक है। और बस तो हम लोग का टाइमिंग बहुत गलत है, और यहाँ पे हवन वगैरह होता है, इसका फिर रास्ता आगे से है, यहाँ बैठने उठने का जगह है। तो अगर आप लोग आते हैं तो आकर विजिट जरूर कीजिए, आपको हम दिखाते हैं एक झलक ये शिवलिंग का जो दिख जाएगा। अगर ये देखिए लाइन से कितने शिवलिंग लगे हुए, 1, 2, 3, 4, 12, ये 11-12 के आसपास है, काउंट नहीं करना चाहिए, तुक्का मारो। तो ऊपर भी है घूमने का जगह, बट अभी क्या है ना कि जिस टाइमिंग पे हम लोग आए हैं ये टाइमिंग हम लोगों के लिए बहुत गलत है, और आप लोग कृपया आएँ तो 12 बजे से पहले, यानी कि आप लोग 9-10 बजे तक, 10 बजे के करीब में आएँ तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ है। तो आप लोग कृपया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये मंदिर। तो फिलहाल मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम कभी बेटर, अगर लकी रहें तो टाइम पे आ जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। वैसे हम लोग के पास टाइम रहता है बट सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, लक ख़राब चल रहा है आजकल, किस्मत बहुत ख़राब चल रहा है। ऐसे हम लोग नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपको फिर से रिएक्शन वीडियो में। अब नाश्ता करने के बाद फिर से मिलते हैं, भूख पहले बहुत ज़ोर से लगी हुई है, यहाँ से पहले निकलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। भूख से बर्दाश्त नहीं होता, सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक, और 2 बजने के करीब में आ गया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे पता किया कि कितने बजे मंदिर खुलती है, तो पता चला मॉर्निंग 6 बजे से 12 बजे तक खुलती है, और फिर शाम 4 बजे से 9 बजे तक खुली रहती है मंदिर। और मंदिर में अंदर जो भी घूमने की जगह है सब पे लॉक लगा हुआ था, जो भी घूमने का जगह सब पे लॉक लगा हुआ था, तो हम अंदर का कुछ दिखा नहीं पाए, बट बाहर से देख रहे कितनी खूबसूरत, सबसे बड़ा तो ये इतना बड़ा मूर्ति शंकर भगवान का, ये मतलब हमने मुजफ्फरपुर में रह करके हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा है ये मूर्ति। तो कोशिश Thank you.
हमारे पास, हम तो वेले हैं, हमारे पास कोई टाइम है नहीं। हम आपको एक एक घूमना दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, जो मिले यहाँ पे खाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है दोनों एक ही है। बाइक बाइक पे भी देखो, नहीं इसे तो लगाएंगे लंबे लंबे। तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग भूख के मारे मेरी जान जा रही थी, पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं कुछ खाने का। खा कर मिलते हैं आपसे। उसकी क्वालिटी बस इतना समझिए कि पेट भरने लायक है। बोले बस पेट भर लिए बड़ी बात है, मतलब मज़ा नहीं आया वो चीज़ में। क्या वैसे तो बोले वो मज़ा नहीं आया, बट क्या करें, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी बर्दाश्त से। और मेरे हिसाब से कॉलेज जाना आज की बात नहीं है, तो अब निकलते हैं। देखिएगा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, बाय। फिलहाल बाइक चलाते चलाते इतनी गर्मी में कोई भी थक जाएगा, तो टिक टिक को देखना है। टिक टिक को देखते हैं पहले। फिलहाल ये कितना कौन खोलेगा, देखो बैठे हैं। हाँ खोलो, हाँ खोलो। हेलमेट खोलने के बाद पसीना से क्या हालत हो चुकी है, हेलमेट के अंदर ना लगता है कि हाय हाय, बोल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल कुछ पानी वगैरह पीते हैं, भूख तो लगी हुई है। और ये टुक टुक, टिक टिक आ जा, ये रही मेरी टिक टिक। अरे ऊपर चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ये रे। हाँ तो ये टिक टिक है और ये टुक टुक है। बोल दो बाय, बोल दो बाय बाय। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्या कीजिए, टिक टिक लाइक कर दीजिए, लाइक कर देना। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो अब कंटिन्यू आते रहेंगे मेरे ब्लॉग्स पे, तो क्या करके बेल आइकन दबा दें, जिसमें आपका जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहले मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।